हूँ, डेरा सिस्टर बल्ला के दर्शन करने से, और मैं कल फिर कहीं एक दर्शन के लिए जाऊंगा। मैं भगवान वाल्मीकि में पूर्ण आस्था रखता हूँ। मैं सारे महापुरुषों में, कबीर जी हो, पैरियड जी हो, या मान्यवर साहब काशीराम हो जिनके बच्चे हैं, उनमें सब में आस्था रखते हैं। पर इतना कहना चाहता हूँ, ये मूवमेंट जो है ना, ये ऐसी मूवमेंट है कि इससे पूरे देश में, पूरे विश्व की चूड़ हिल गई है आपकी ताकत से। आप जंतर मंतर में आए, इसमें बोर लगा के, इस यहाँ की मीडिया नहीं दिखाती, विदेश की मीडिया ये बताती कि वहाँ का जो दलित समाज है वो एक हो गया है, अब वहाँ जो विदेशी है उन्हें समय से वहां से निकल जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि अभी तो ये लोग अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, कल ये शोषण पे आगे तो तुम्हारा नाश कर देंगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि लोग आपके बीच में 1,00,000 भ्रम फैलाएं, आप ये जान लें, ना तो आपका भाई जीवन भर राजनीति करेगा, ये वादा करता हूँ, इस जमीन पे खड़ा होकर अच्छी तरह जान लें, और सारी उम्र जब तक जीवन है सामाजिक रूप से अपनी कौम की लड़ाई लड़ूंगा। जो कौम का गद्दार है वो कहा, अगर यहाँ कोई, सुन लो भाई, चोरी कुछ नहीं है, गद्दारों का इलाज वही होगा जो दुश्मनों का होता, अच्छी तरह सुन लो, बिल्कुल साफ कोई डर है। 27 मुकदमे लगाए उन्होंने, मैंने कहा 27 सौ लगा लो, आज भी खुला घूम रहा आपका भाई, कल भी खुला घूम रहा था। डर है उन भाइयों का जो 40 भाई जेल में है, जब तक उनकी बेल नहीं हो जाती तब तक तो वो बाहर, जिस दिन उनकी बेल हो जाएगी ना, उस SSP DM की छाते में गोटा रख के आपका भाई जाके वहां ना गिरफ्तारी देगा सबके सामने। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और सुन लो,